हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंटेग्रा इसेंसिया के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7.85 के लेवल से लोअर सर्किट लगते हुए अभी 4.82 पे ट्रेड कर रहा है। कहाँ तक जा सकता है काउंटर नीचे में और क्या इसका रीज़न है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें हुआ क्या है, ये स्टॉक 2.75 से 7.8485 के आसपास तक गया था। बेसिकली ये बिफोर स्प्लिट का प्राइस है, तो अगर मैं बिफोर स्प्लिट के रेट्स की बात करूं तो 7 से 6 रुपये के आसपास था। वहां से ये स्टॉक 16 रुपये तक गया एंड उसके बाद ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो उसमें हुआ क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल की तौर पे बताता हूं। जैसे कि अगर मैंने 1000 शेयर्स बाय किए थे इस काउंटर में 7 रुपये के रेट से, तो फिर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 7000 रुपये। एंड वहीं ये स्टॉक जब 16 रुपये पहुंच गया तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 7000 से बढ़ के 16000 हो गया, मतलब 9000 रुपये का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। फिर हुआ क्या, 16 रुपये से स्टॉक हो गया स्प्लिट 2:1 की रेशियो में। मेरे पास टोटल जो स्टॉक्स हो गए वो हो गए 2000 और स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया 8 रुपये के आसपास आ गया। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 7.85, मैं 8 एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट अभी भी 16000 ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम बढ़ गया है, 1000 से 2000 क्वांटिटी हो गई है, प्लस 7000 से अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 9000 का 9000 ही है। बट यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे ही स्टॉक स्प्लिट हुआ है, प्राइस करेक्शन हुआ है, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट नीचे आ गया है एंड उसकी वजह से जो भी लोगों को वॉल्यूम दिख रहा है और प्रॉफिट दिख रहा है वो बुक करना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। क्योंकि आपके पास एवरेज होने के बाद 3.5 रुपये के रेट पे आपका एवरेज शो कर रहा था और 8 रुपये पे आपको प्राइस दिख रहा था, उसके वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है। एंड ये मोस्ट प्रोबेबली रिटेलर्स हैं जो एग्जिट मार रहे हैं कंटिन्यूसली। मैंने नोटिस किया था यहाँ पे 1 से 2 करोड़ का वॉल्यूम था, जिसमें से परसों के दिन 19 तारीख के दिन 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एंड उसके बाद दोबारा से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है। बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्टॉक पहले तो यहाँ पे रुक सकता है 443-44 के आसपास एंड उसके बाद अगर जाता है तो मुझे लगता है 4 रुपये तक ये स्टॉक गिर सकता है। मेरी सलाह यही रहेगी, अगर आपने इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म के लिए तो रखिए इस काउंटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। और दूसरी बात, ये काउंटर का जैसे ही यहाँ पे जो वॉल्यूम ड्रॉप डाउन आ रहा है, जैसे कि 1.5 करोड़ के आसपास था जो आज मैंने सुबह देखा था, जैसे ही वो वॉल्यूम कंज्यूम हो जाएगा एक बार, उसके बाद ये काउंटर फिर से एक अपसाइड देना स्टार्ट कर देगा। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जिस दिन वॉल्यूम कंज्यूम होगा वहाँ से ये स्टॉक रिवर्स हो जाएगा एंड काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देगा। हो सकता है कि ये 8 रुपये का जो लेवल से वो भी ब्रीच कर दे, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, फ्रेश एंट्री आएगी, नए लोग इस स्टॉक में घुसेंगे, नया इन्वेस्टमेंट आएगा। जिनको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने कर लिया, वो एग्जिट मार लेंगे, लेकिन जब वापस से एंट्री होगी तब काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों को अभी जैसे इनका प्रॉफिट बुक हो जाएगा एग्जिट ले लेंगे, फिर न्यू बायर्स आ जाएंगे। ये जो यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, इन लोगों ने इतना बाय किया है लेकिन यहाँ पे अभी तक सेल नहीं किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, रेगुलरली लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन जो बाय वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है एंड फिलहाल मुझे लगता है ये 4-4.5 रुपये के बीच में रुकेगा एंड वहाँ से दोबारा एक काफ़ी अच्छा अपसाइड देने वाला है इंटेग्रा इसेंसिया। तो अगर आपके पास ये काउंटर है, मुझे लगता है अगर आपके पास बिफोर स्प्लिट के प्राइस पे है तो फिर प्रॉफिट में होगा आपका स्टॉक अभी भी। बट अगर आपने हायर लेवल्स पे ख़रीदा होगा 13-14 के आसपास और स्प्लिट होने के बाद वो आपका 6 से 7 रुपये के आसपास हो गया होगा, वहाँ पर आपको लॉस दिख रहा होगा। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक बार ये वॉल्यूम यहाँ पे कंज्यूम होता है तो दोबारा एक अपसाइड देखने को मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, होल्ड कीजिए, लॉस में ये काउंटर सेल मत कीजिए। हो सकता है 3 से 4 लोअर सर्किट और लगे, लेकिन एक बार अपर सर्किट लगना स्टार्ट होगा तो दोबारा प्राइस काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देगा। लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, इस काउंटर में अपसाइड आएगा, ये प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, फिलहाल कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। बने रहिए इंटेग्रा इसेंसिया में, जल्दबाजी में लॉस बुक करके कोई मतलब नहीं है। दोबारा से ये अपसाइड देगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने लॉस बुक करके गलती की। बेटर होल्ड कीजिए एंड जिस दिन वॉल्यूम रिवर्स होता है, आपको वॉल्यूम पे नज़र रखनी है। अगर वॉल्यूम रिवर्स होता है, 1.5 CR, 1.7 CR के आसपास का वॉल्यूम दिखता है,
बाई साइड में, वहां से एक रिवर्सल देखने का मौका मिल सकता है। तो ध्यान रखिए इस काउंटर पे। मेरे हिसाब से लॉस बुक जल्दी से आप लॉस बुक करने की सोचिए मत, क्योंकि क्या होगा जिस दिन आपने ऑर्डर डाला और उसी दिन अगर रिवर्सल आ गया तो फिर आपका लॉस भी बुक हो जाएगा और प्राइस में रिवर्सल भी आ जाएगा। सो वेट कीजिए, मेरे हिसाब से 4 रुपये तक एटलीस्ट वेट कीजिए। 82 पैसा है, बट मुझे लगता है उससे पहले रिवर्सल आ जाना चाहिए। बट फिर भी अगर आप लॉस बुक करना चाहते हैं तो भी 4 रुपये तक वेट कीजिए, उसके पहले लॉस बुक मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।